माता जी कहती है, भाई जी मैं रोज मुरली सुनती हूँ, पति नहीं सुनता है। लेकिन माता जी कहते भंडारे में बाबा को पैसे देना चाहिए, मेरी इच्छा गई, लेकिन पति देता नहीं, तो क्या करे? माता जी क्या करते, पति के जेब से पैसा निकाल कर ले आती है और भंडारे में डालती है, तो चलेगा ना, उसका भी भाग्य बनेगा। उसका तो देता नहीं, उसका भाग्य कैसे बनाए? अपने लिए यूज नहीं करते, जेब से निकालती है और भंडारे में डालती है, चलेगा भाई जी? बताओ चलेगा? भाई जी कहता चलेगा, बाबू जी कहता चलेगा, हाँ बताओ और बताओ, क्योंकि उनका भी भाग्य बनाना है ना। जैसे माताएं क्या करती है, मंदिर में जाती है, भंडारे गोलक में आप पैसे डाल सकते हो, नहीं, बच्चों के हाथ में देते, बच्चे आप डालो, बच्चों के अंदर संस्कार डालते हो, दान करने का। अभी माता जी कहती है पति तो ज्ञान नहीं सुनता, कभी उसका भाग्य तो बने, हाँ कमाई तो भगवान की सेवा में लगे, तो क्या करो, जेब से निकालती है, अपने लिए यूज नहीं करती है, निकाल के भंडारे में डालती है, तो चलेगा ना नहीं चलेगा? हाँ भाई जी कहते चलना चाहिए, चलेगा? और एक बाबू जी कहता चलेगा, माता है बताओ, माता जी कहते चलेगा, नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? हाँ ये भी चोरी हो गई है ना, ये भी चोरी कहेंगे। अगर कल पति को पता चलेगा तो क्या कहेगा, अरे माता जी देखो चोरी पैसे निकाल के कहाँ चले गए मेरे, तो मन में गलत विचार है ना, दुख दिया ना। तो चोरी छोटी कख का चोर हो लख का चोर, चोरी तो चोरी नहीं, बाबा को ऐसा धन नहीं चाहिए है ना, आप नहीं भंडारे में डालो चलेगा, बाबा जानता है बच्चे के हाथ में कुछ नहीं, बाबा देगा अपने आप, लेकिन आप चोरी करके पति के जेब से निकाल के दान में करने का संकल्प नहीं करना, चलेगा? कि करना चाहिए, माता जी हंस रही है, वो ऐसे करती है रोज, उनको अपने पर ही लाए आ रहा है, हंसी आ रही है, अरे मैं इतना दिन से ऐसे कर रही हूँ, आज पता चला मेरा धन सफल नहीं हुआ, हाँ ऐसे कर देते ना, हाँ देखो माता जी को अभी समझ में आया, वो पति देता नहीं था तो ले आ करके निकाल के जेब से निकाल कर दान कर दे, वो सफल नहीं होगा, चोरी कहेंगे पक्का। हाँ तो बाबा सब सिखाता है मुरली में, बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब हम भोलेपन में कुछ करते हैं है ना, अपना विचार, मन मत का, मन मत और श्रीमत, तो इस मुरली ये है बाबा हर चीज सिखाता।